एक और गवर्नमेंट इंटर्नशिप की बात करते हैं। ये इंटर्नशिप निकल के आई है UIDAI के अंदर, जिसे हम जनरली आधार के नाम से जानते हैं। जरूर आपके पास एक आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड को बनाने वाले जो डिपार्टमेंट है, जो एजेंसी है, उसी के अंदर ये इंटर्नशिप निकल के आई है। ये पूरी की पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप रहेगी और इसमें स्टाइपेंड भी आपको बहुत अच्छा दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप की कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें, आप इस बात को पहले समझ लीजिए, ये इंटर्नशिप को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक रिमोट, एक प्रमाइसिस। रिमोट का मतलब यह है कि आप अपने घर पे रह के भी इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं, इसमें आपको स्टाइपेंड कम दिया जाएगा, और आप इस इंटर्नशिप को बैंगलोर के इनके ऑफिस में भी जाके कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड जो है वो ज़्यादा दिया जाएगा। मीन्स अगर आप बैंगलोर में जाके इंटर्नशिप करेंगे पैसा ज़्यादा मिलेगा, अगर आप रिमोट इंटर्नशिप करेंगे, अपने घर पे रह के इंटर्नशिप करेंगे, तो आपको पैसा कम मिलेगा। तो चाहे आप बी कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो या फिर एमबीए कर रहे हो या फिर पीएचडी कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जिस हिसाब से आपकी कैटेगरी है उसी हिसाब को आपके पैसे भी दिए जाएंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आप जॉब ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी इंटर्नशिप निकल के आई है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो बहुत बेहतरीन रहेगा। ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप जरूर से जरूर इसमें अप्लाई कीजिए। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का पेपर या इंटरव्यू नहीं है, फिलहाल इनकी कमिटी ही आपका सिलेक्शन करेगी। बट अगर किसी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होंगे, तब ये आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू या फिर वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये लेने वाले नहीं है, ना ही इनके पास इतना टाइम है, ना ही इनके पास इतना रिसोर्स है, ये डायरेक्टली ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, बात तय है। तो आप इस बात का ध्यान में रखिए, बिना सोचे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपका काम है अप्लाई करना। मेरे कहने से आप जरूर से अप्लाई कीजिए, फिर आगे जो भी होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिए और जरूर से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का सिंपल, बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल सा है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है UIDAI, मींस इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्हीं के वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा इंटर्नशिप इन UIDAI के अंदर, ये रहा, ठीक है। तो अगर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक PDF खुल के आ जाएगी। तो ये रही आपकी PDF, इस PDF में इन्होंने सारी डिटेल्स दे रखी है। आप ये मत सोचिए यहाँ पे 2024 का आप बता रहे, नहीं, सारी डिटेल्स वही है। हाँ, ये 2022 में भी आई थी तो इसलिए है, पर ये 2022 का नहीं, तो ये 2024 के लिए भी वैलिड है। तो ये आपको ये नहीं सोचना कि बहुत पीछे का PDF है, ठीक है। पर्पज आपको यही पता है कि बच्चों को ट्रेन करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे लिए मेन काम की चीजें हैं उसी पे हम, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया पे आप आइए और बड़े ध्यान से समझिए। देख लीजिए, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया के लिए ये बोला हुआ है कि अगर आप थर्ड ईयर में हैं या फिर अगर आप फोर्थ ईयर में, कौन कौन से ईयर में, अगर आप थर्ड ईयर में हैं या फिर फोर्थ ईयर में हैं, बीई कर रहे हैं या फिर आप बीटेक कर रहे हैं, देखा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर अगर आप बीई कर रहे हैं या फिर आप बीटेक कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप बी या बीटेक कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ईयर में आपको होना है, थर्ड या फोर्थ ईयर में होना है। बट आज तक थर्ड या फोर्थ ईयर में अगर आप हैं, बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कीजिए। बट आपके मिनिमम 60% मार्क्स पिछले वाले फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होने चाहिए, ये बात इन्होंने बोली हुई है। तो एवरेज करके जो आपका CGPA आएगा वो आपका मिनिमम 6 होना चाहिए या 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर जिन बंदों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, पहला, अगर आप थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स आपके पिछले एग्जाम में 60% होने चाहिए। दूसरा, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, कहीं पे भी हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त ये रहेगी कि ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान में रख लीजिए। अगला सी टाइप के स्टूडेंट वो है जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है बट उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पेपर दे दिया है पर उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए किसी कॉलेज में फॉर्म भर दिया है पर एडमिशन नहीं हुआ है और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके ग्रेजुएशन में ओवरऑल एवरेज जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। और अभी एक चीज और आप नोट कर लीजिए, जिन लोगों का, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बट उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए अभी तक 6 महीने से कम हुए हैं तो आप भी इसमें अप्लाई
कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है, आप इस बात को ध्यान से देख लीजिए। और जो पीएचडी स्टूडेंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रख लीजिए। आगे देख लेते हैं कि आपका जो प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, आप कहाँ पे जाके काम करेंगे। आज मैंने अभी आपको दो तीन चीजें बताई हैं, अगर आप इनके ऑफिस में भी जाके कर सकते हैं, आप अपने घर पे रह के भी कर सकते हैं। अगर आप इनके ऑफिस में जाएंगे तो आपको बैंगलोर में जाके मिल सकती है प्लेसमेंट, या फिर इनके जो रीजनल ऑफिस है अलग अलग जगहों पे, वहां पे मिल सकती है। रीजनल ऑफिस इसी पीडीएफ के नीचे दिया गया है, अभी मैं आपको बताऊंगा, बट आप मान के चले कि आप बैंगलोर में जाके अगर इनके प्रमाइसिस में जाके काम करना चाहते हैं तो आपको बैंगलोर में ही जाना पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखेंगे आप। आगे चल लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्टिपेंड अलग अलग लोगों के अलग अलग हैं, ध्यान से समझ लीजिए पहले, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो अगर आप इनके ऑफिस में जाके काम करेंगे तो आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा, बट अगर आप अपने घर से काम करेंगे तो आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान में रख लीजिए। अगर आप एमटेक कर रहे हैं, इनके ऑफिस में जाके काम करेंगे, 40,000 रुपया, बट अगर आप अपने घर से करेंगे तो 20,000 रुपया, ठीक है, इस बात का ध्यान में रख लीजिए। अब आते हैं जरा एमबीए वाले, आ जाओ मेरे दोस्तों, जो एमबीए वाले बंदे हैं, अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान में रखिए, अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो आपको 40,000 रुपया दिया जाएगा, अगर आप इनके कहां पे इनके प्रमाइसिस में जाके काम करते हैं, अगर आप अपने घर पे काम करेंगे तो आपको 20,000 रुपया ही दिया जाएगा। पर एमबीए वाले प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है, टेक्निकल से नहीं होना चाहिए आपका एमबीए, और नॉन टेक्निकल एमबीए एलिजिबल ही नहीं है, इसमें कुछ आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब ध्यान में रख लीजिए, अगर अगर कोई जो स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स या लॉ वाले स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या फिर लॉ कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप तो आपको 30,000 और 15,000 दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स लॉ वाले स्टूडेंट अगर आपको, तो अगर आप इनके यहाँ पे जाके काम करोगे 30,000 रुपया, और अगर आप अपने घर से काम करोगे तो 15,000 रुपया दिया जाएगा। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको एज यूजुअल पता है, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप इनके यहाँ अगर जाके काम करेंगे इनके प्रमाइसिस में आपको 50,000 रुपया मिलेगा, अगर आप अपने घर से इनका काम करेंगे तो आपको 25,000 रुपया दे दिया जाएगा, इस बात का ध्यान में रख लीजिए। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, बीटेक एमटेक एमबीए इकोनॉमिक्स वाले बंदे, लॉ वाले बंदे और पीएचडी स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, इस बात का आपको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, सिंपल सा भी मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा और आप परेशान होकर इधर उधर घूमेंगे। सिलेक्शन इनकी कमिटी करेगी, अगर बहुत ज्यादा बंदे होंगे तो हो सकता है कि इंटरव्यू ले सकते हैं, वर्चुअल इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। मुझे नहीं लगता ये लोग इंटरव्यू लेंगे क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे कहाँ होंगे, आप एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ पे कौन से स्टूडेंट होंगे। जैसे अगर आप पीजी कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो दो स्टूडेंट लिए जाएंगे, उनका जो ड्यूरेशन रहेगा इंटर्नशिप करने का 2 महीने से लेकर 6 महीने तक रहेगा। जो बीटेक एमटेक वाले जो बंदे हैं वो टोटल 10 बंदे लिए जाएंगे, उनको 1 साल तक काम करवाया जाएगा, ठीक है। जो पीएचडी वाले बंदे हैं उनको 5 बंदे लिए जाएंगे जिनको 1 साल तक काम करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा इनका हेड ऑफिस के अंदर जो टेक सेंटर रहेगा। और देख लीजिए यहाँ पे रीजनल सेंटर के अंदर कितने कितने बंदों का रिक्रूट किया जाएगा, यहाँ पे डिवीजन के अंदर कितने कितने का रिक्रूट किया जाएगा, ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो आप प्लीज इसको एक बार अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लॉजिस्टिक्स में यही होगा कि आपको अपना, अगर आप इनके प्रमाइसिस में जाके काम करेंगे तो आपको अपना रहने का अरेंजमेंट खुद ही करना होगा, ये लोग आपके रहने का अरेंजमेंट कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। और आपको अपने लैपटॉप का अरेंजमेंट खुद ही करना है या कंप्यूटर का अरेंजमेंट खुद ही करना है, ये लोग आपको कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं देंगे, हाँ आपको ये लोग इंटरनेट दे देंगे जिससे आपको काम करवाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है आपको। जब इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो एक पेपर सबमिट करना होगा, वो आप वहीं पे जाके पेपर सबमिट कर लेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। एक होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अभी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको अपने कॉलेज से बनवाना होगा। तो जो बंदे पढ़ रहे हैं वो अपने कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे, अभी मैं बताऊंगा फॉर्मेट, उसको ले जाके अपने कॉलेज में देना, आपके कॉलेज वाले साइन करके दे देंगे, बात खत्म बस, ठीक है। अगला होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जब आप इंटर्नशिप कर लेंगे यही लोग आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे कि आपने वहां से इंटर्नशिप करी है, आप इसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को प्राइवेट कंपनी में दिखा सकते हैं और नौकरी भी इसके हिसाब से आपको मिल सकती है। ये बात हम कोड ऑफ कंडक्ट यही बताएंगे, आप इन्हीं के हिसाब से चलिएगा, अपना दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप एक बार हल्का से पढ़ लीजिएगा। तो आगे हम देख लीजिए, अब यहाँ पे अंडरटेकिंग आ गई है, ये जो बोलते हैं वो आपको करना है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये जो अप्लीकेशन फॉर्म है इसे तसल्लीपूर्वक बहुत प्यार मोहब्बत इबादत से भरना है, इसको आपको तसल्लीपूर्वक पहले आप ये भर लीजिएगा फॉर्म को, जो जो चीज़ें दे रखी है नेम, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से भरना है। इस पूरे डिटेल्स को भरने के बाद देख लीजिए जो जो यहाँ पे आता है
वो सब अच्छे से आप यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद ये साइन वाइन करने के बाद ये आपको करना क्या है, ये वाला, और ये तो, ये देखिए ये तो सर्टिफिकेट है, ये वाला नहीं, वो देखिए, ये फॉर्म आपको अच्छे तरीके से भरना, मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। ये मेरा है पेज नंबर, जो ये वाला है पेज नंबर मेरा, आई थिंक 9 पेज नंबर, ये देख लीजिए ध्यान से, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म, और ये, इसको अच्छे तरीके से भरना है। इसके बाद में ये नहीं भरना आपको, ये आपका नहीं है, और एक ये वो फॉर्म जो अभी ए में दिया गया था, वो फॉर्म अच्छे तरीके से भरना है, और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से बनवाना है, इसका प्रिंट आउट लेना है, कॉलेज में ले जाना है, वो फॉर्म ये इसको भर के दे देंगे, ये वाला, ठीक है। तो आप जो अभी मैंने आपको बताया वो फॉर्म, जो ये वाला फॉर्म है, प्लीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्म प्लीज़, ठीक है, जो ए है जिसपे ये लिखा हुआ, ये वाला फॉर्म आप देख रहे हैं, इस वाले फॉर्म को अच्छे से भरना है। इस वाले फॉर्म को मतलब कैसे करेंगे, इसका पहले प्रिंट आउट ले लेंगे, फिर हाथ से इसको अच्छे से भर लेंगे, उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है, ये वाला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको आपके कॉलेज वाले भर के दे देंगे, ये इन दोनों को भर के इसको स्कैन करके, साथ में ही आपको अपना CV स्कैन करके किस इस वाले ईमेल आईडी पे, जो ये ईमेल आईडी गिवन है, जो ये ईमेल आईडी गिवन है इंटर्नशिप UIDAI@UIDAI.net.in पे आपको भेज देना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन तरीका और यही सबसे सुगम है, ऑफलाइन बहुत मुश्किल है, उसको छोड़ दीजिए, आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रख लेना है। तो जो मैंने अभी आपको बता दिया है वो आपने आई होप समझ लिया है, और बाकी इसमें कुछ आपको करना नहीं है। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये एक चीज़, ये आपके रीजनल ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे भी आपको काम करने का मौका दिया जा सकता है। तो आप देख लीजिए जिस रीजनल ऑफिस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे उस फॉर्म में भर दीजिए कि मैं किस रीजन ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ गए। एनेक्सर ए जो दिया गया था, एनेक्सर ए और एनेक्सर सी का प्रिंट आउट लेना है, एनेक्सर ए को खुद भरना है, एनेक्सर सी आपके कॉलेज वाले भर के देंगे, भर के इसको स्कैन करके, साथ में अपना रिज्यूमे स्कैन करके, जो अभी ईमेल आईडी बताई थी, इस वाली ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखिए, जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अब मुझे मालूम है मैंने इतना बताया, फिर भी आपको डाउट रहेगा, कोई भी डाउट आता है आप मेरे तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, मैं खुद रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, पर थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, मैं हमेशा रात के टाइम ही फ्री होता हूँ 10 बजे के बाद, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर 10 बजे के बाद मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर आप पूछेंगे तो कोई ना कोई आपको जरूर रिप्लाई करके दे देगा, या फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो कमेंट करके पूछिए। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से इंटर्नशिप को भरना है। ये नहीं सोचना मेरा होगा कि नहीं होगा, कम वैकेंसीज या पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई एग्जाम तो है नहीं, कोई इंटरव्यू तो है नहीं, सिंपल सा आप अप्लाई कीजिए, आप अप्लाई करते रहिए, हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तसल्लीपूर्वक अप्लाई करना है, कोई भी डाउट आता है आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मेरा नंबर है, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, पर ग्रुप पे मैसेज कीजिए, जरूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।